WHO के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें लगभग 1.2 मिलियन मौतें अनिवार्य धूम्रपान के संपर्क में आने से होती है। सालाना लगभग 2,78,544 मौतें पुरुषों में होती है, 2,01,773 मौतें अनिवार्य धूम्रपान सेकेंड हैंड स्मोक से होने वाली मौतें भी शामिल है। हमारे शरीर में कैंसर की 80% संभावना और मुंह की कैंसर की 40% संभावना तंबाकू सेवन के कारण होती है। दुनिया भर में 1.3 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से 80 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जहां तंबाकू से संबंधित बीमारी और मृत्यु का बोझ सबसे अधिक है। तंबाकू का उपयोग भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों से तंबाकू के लिए घरेलू खर्च को हटाकर गरीबी में योगदान देता है। देश में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भारत में हर साल 13,05,000 वयस्क 15+ आयु के तंबाकू के उपयोग के कारण मर जाते हैं। यह भारत में मृत्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और हर साल लगभग 1 मिलियन मौतों के कारण है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया द्वारा 2016-2017 के अनुसार भारत में लगभग 237 मिलियन वयस्क 15 वर्ष और उससे अधिक सभी वयस्कों का करीबन 29% तंबाकू के उपयोग करता है। बहुत ज्यादा सोशली बैकवर्ड में ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि सम ऑफ द रीजन है कि लोग इसको आदत इसमें जल्दी पड़ जाती। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए अवेयरनेस ही होना, और आप मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस अवेयरनेस। हम तो ट्रीटमेंट वाले पार्ट में आते हैं, हमारा खुद भी कैंप्स लगते हैं, हम हर जगह जा जाके उसको अवेयर कराते हैं, और पहले स्टेज में हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमने काफ़ी इक्विपमेंट लाए, जो शायद सबने बताया होंगे कि हम लोग वो इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं फॉर ओरल कैंसर के। तो मुझे लगा आपने बताया सर, हम लोगों ने यहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इक्विपमेंट आए हैं जिसको ओरल स्कैन बोलते हैं, जो मुंह में कैंसर होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है विद इन 5 मिनट्स विदाउट एनी टेकिंग अ पीस ऑफ इट। उसको नॉन इन्वेसिव बोलेंगे, उसका एक इधर सैंपल है जो दिस इज अ कैमरा बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये हैंडी टूल है विच इज़ अ वेरी इजी डिवाइस एंड दिस कैन बी यूज बाय एनीवन। लोगों को डर लगता है कई बार जाना उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए या ये लगने के लिए, तो दिस इज अ टाइम ये आप आके कभी भी करा सकते हैं। हम लोग इसके लिए कैंप भी लेते हैं, कहीं जाके भी कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में कैंसर तंबाकू से संबंधित कैंसर 3,77,830 के 13 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जो 2024 में बढ़कर 15 लाख तंबाकू से संबंधित कैंसर 5,27,263 होने की संभावना है। द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भविष्यवाणी की है कि साल 2024 तक 1,30,438 नए कैंसर मामले बढ़ने की उम्मीद है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ये डरावने आंकड़े सामने आए हैं। तंबाकू भारत में सालाना 10 लाख से अधिक लोगों को मारता है और इनमें से 1 लाख अकेले महाराष्ट्र में होते हैं। हालांकि देश तंबाकू के उपयोग के कारण शुरुआती मौतों में तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में तंबाकू और अन्य धूम्रपान उत्पादों से होने वाली बीमारियों से हर साल 77 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जबकि पूरे भारत में 13 लाख लोग ऐसी बीमारियों से मरते हैं। 6 राज्य जो भारत की 18% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की रिपोर्ट की गई घटनाओं के बोझ का 23% हिस्सा है और अप्रकृषित घटना दर्ज की घटनाओं की दर सबसे अधिक है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और असम में कैंसर की समग्र घटना दर सबसे अधिक है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर 130 से अधिक है। महाराष्ट्र में 31%, 2,28,11,237 लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं। ये आंकड़े चौंका देने वाले और परेशान करने वाले हैं। NBCN न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।